दोस्तों मैं विकास कोहली यूट्यूब पे एक प्री मैच एनालिसिस और लेके आया हूँ, जिसको प्री मैच एनालिसिस लेके आया हूँ जो दोनों प्लेयर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। एटीपी रैंकिंग नंबर 6 वर्सेस एटीपी रैंकिंग नंबर 16, दोनों प्लेयर्स अभी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एक लगातार 18 मैचेस जीता है और एक लगातार 4 मैचेस जीता है। मैं बात कर रहा हूँ डैनियल मेडवेडेव वर्सेस फ्रांसिस टीफोए की। सेमीफाइनल खेला जाएगा आज रात को 2:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। इंडियन वेल्स में खेला जा रहा है मैच और एटीपी मास्टर्स 1000 का सेमीफाइनल फर्स्ट है। पहला मास्टर्स है, बढ़िया प्रदर्शन दोनों प्लेयर्स कर रहे हैं और दोनों प्लेयर्स चाहेंगे कि भाई बढ़िया प्रदर्शन करके पहले मास्टर्स के फिनाले में चला जाएं 2023 के। दोस्तों मेडवेडेव शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं आफ्टर ऑस्ट्रेलियन ओपन लॉस सेबेस्टियन कोटा से। जब से हारे हैं तब से बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, सारे मैचेस जीते और वो चाहेंगे कि ये रिदम अपना कंटिन्यू रखे और ये रिदम कंटिन्यू करते वो फिनाले तक भी पहुंचे और जीते भी। दोस्तों इसी से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए ताकि सारी अपडेट्स मिलते रहें, पोस्ट मैच से रिगार्डिंग, प्री मैच से रिगार्डिंग, सारे ब्लॉग से रिगार्डिंग। दोस्तों शुरू करें तो डैनियल मेडवेडेव से। डैनियल मेडवेडेव पहला मैच जीते थे डेविडू फिटिना के साथ, वो रॉटरडैम नीदरलैंड में जीते थे। उसके बाद बढ़िया प्रदर्शन रहा, करते रहे बढ़िया प्रदर्शन और पिछला मैच भी जीते। अब वो चाहेंगे कि भाई यही मैच उनका ऐसा जैसा चल रहा है, फुटीना से पिछला मैच भी जीते थे 18वां मैच, अब वो चाहेंगे ऐसा प्रदर्शन कंटिन्यू किया जाए। और फ्रांसिस टीफोए चाहेंगे कि उनका ये जो विनिंग स्ट्रीक है रोटा जाए, अपना विनिंग स्ट्रीक जो 4 मैचों का हो गया वो उसे कंटिन्यू किया जाए और इंडियन वेल्स मास्टर अपने पहले मास्टर्स के फिनाले में पहुंचा जाए। प्रदर्शन दोनों प्लेयर्स अच्छा चल रहे हैं, बट ज़्यादा फेवर जो ले रहे हैं वो डैनियल मेडवेडेव है। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में देखा जाए सिर्फ एक ही बार विक्ट्री हासिल की है टीफोए ने, और टीफोए ने जो विक्ट्री हासिल की थी वो क्वालिफाइंग मैच था 2015 में तब की थी। उसके बाद से डैनियल मेडवेडेव ने सिर्फ जो तोड़कर हल्ला बोला है। क्यों हल्ला बोला है? वो इसलिए हल्ला बोला है क्योंकि वो 4 मैच लगातार जीते हैं। ये नहीं है कि भाई टीफोए ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, टीफोए ने अच्छा प्रदर्शन किया, बट हमेशा मेडवेडेव ज़्यादा भारी लग पड़े हैं क्योंकि वो विद इन 2 स्टेट सेट्स में जीते थे और उन्होंने ग्रैंड स्लैम का एक मैच भी हराया था। ग्रैंड स्लैम में अच्छा प्रदर्शन किया था टीफोए ने भी, बट मेडवेडेव की आड़ी उनकी नहीं चल पाई ज़्यादा और मेडवेडेव मैच ये जीत गए थे। टीफोए चाहेंगे ये जीतना और फ्रांसिस टीफोए के खिलाफ मेडवेडेव अपना ऐसा प्रदर्शन कंटिन्यू करना चाहेंगे। क्या लगता है दोस्तों? मैं जो प्रेडिक्शन दे रहा हूँ वो ज़्यादातर लोगों ने आशा ही दिया होगा, बट टीफोए को कम मारना अच्छी बात नहीं है क्योंकि टीफोए हमने देखा हुआ, उन्होंने भाई US ओपन राफा नदाल को हराया था। राफा नदाल वो प्लेयर 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते, रोलैंड गारोस ओपन जीते, विंबलडन में रिटायर्ड हुए, तो इसका मतलब हारे नहीं और उन्हें ही हराया था राफा नदाल को। तो देखा जाए टीफोए से पंगा नहीं लेने का, मेडवेडेव चाहेंगे भाई मुझे सिर्फ हराना और फिनाले तक जाना है, और टीफोए भी यही चाहेंगे कि मुझे हराना और फिनाले तक जाना है। मैं रेशो दे रहा हूँ 75% मेडवेडेव जीतेंगे और 25% जीतेंगे टीफोए। अब आपको क्या लगता है? अपनी राय देना और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।